everyone. Welcome to Wisdom 360's live classes for accountancy class 11. Class 11 mein we have already completed our 5 chapters, which are meaning and objectives of accounting, basic accounting terms, accounting principles, and then we have completed process and basis of accounting, accounting equations. So ye 5 chapter jo hai ye already hum log apne complete kar chuke hain. Today we will be beginning with a new chapter, which is अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS. जब मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए ओके सो हाई दिया स्वेक्षा एंड दिशा वेलकम टू द क्लास. ओके सो टूडे वी विल बी बिगनिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS. ओके व्हाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं. बताया था कौन कौन से दो तरीके बताए थे मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के. इफ एनी वन ऑफ यू कैन रिकॉल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो टू कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं. वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? दैट वॉज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. स्वेक्षा आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स. यू हैव रिटन कैश एंड अक्रूअल बेसिस, वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं. हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दो चीजों में डिवाइड करके या क्लासिफाई करके पढ़ते हैं. पढ़ा था, रिमेम्बर, अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तो हम वहां पे अकाउंटिंग अजम्पशंस में हमने देखा था, अकाउंटिंग अजम्पशंस में हमने देखा था, याद आ गया दोनों को, दिशा को भी स्वेक्षा को भी. गुड. सो व्हेन वी वर स्टडिंग अकाउंटिंग अजम्पशंस वी हैव स्टडीड फर्दर ओवर देयर कि अकाउंटिंग अजम्पशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो फर्दर अगेन क्लासिफाई हो जाते हैं. कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एंड कुछ होते हैं अदर प्रिंसिपल्स. रिमेम्बर पढ़ा था हम लोग ने, इफ यू रिमेम्बर दैट क्लास. ठीक है, तो आज हम उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत हमने कुछ प्रिंसिपल्स तो पढ़ लिए, कुछ अजम्पशंस तो पढ़ लिए अकाउंटिंग के. नाउ व्हाट आर दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट व्हाट हैपेंड दैट अर्लियर जो लोग थे, अकाउंटेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, वो क्या कर रहे थे? सब अपनी अपनी तरह से अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे. ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे. तो क्या हुआ, एक कॉमन रूल कह सकते हैं, कॉमन प्रोसीजर, कॉमन प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए. ठीक है, जो कि सारे अकाउंटेंट्स ने मिल करके बेस्ड ऑन देयर लॉजिक, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, ये उन्होंने बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस डिसाइड की थी ये चीज, और एक कॉमन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए. अब ये तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे. ठीक है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत क्या हुआ कि कुछ स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड किए गए. ठीक है, स्टैंडर्ड्स आप समझते हैं, कोई भी चीज एक स्टैंडर्ड होती है और एक एक्चुअल होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिसाइड कर रही हूं दैट इन माय क्वार्टरली एग्जामिनेशंस फॉर एग्जांपल और इन माय यूनिट टेस्ट आई विल गोइंग टू स्कोर हाउ मेनी मार्क्स, से 50 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो मैंने सोचा कि आई विल स्कोर 40. ठीक है, या पासिंग मार्क्स जो होते हैं आपके, जो स्कूल के टीचर्स डिसाइड करते हैं, स्कूल डिसाइड करता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 40. सो व्हाट इज 40? 40 इज स्टैंडर्ड. इससे ज्यादा करोगे तो अच्छा है, लेकिन ये क्या है, बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया.
ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या होता है, कोई भी चीज का जब हम एक पैरामीटर सेट कर देते हैं, ठीक है, कि ऐसी चीज होनी चाहिए, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। फाइन। तो इसी तरह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी जो थी वो 29 जून 1973 को सेटअप करी गई ताकि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप करे जा सके। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करने का मकसद जो था वो ये था कि आपके जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़े और साथ ही साथ एक यूनानिमस अप्रोच रहे सारे बिजनेसमैन सारे अकाउंटेंट्स का टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ डीलिंग विद एवरी से थिंग्स लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, चीजों को रिकॉर्ड करने का तरीका सबका सेम रहे, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो अगर मैं एक डेफिनेशन दूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, लाइक व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कोलर है, ठीक है, अभी मैं नाम लिख देती हूं उनका, ही हैज डिफाइंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ कोड ऑफ कंडक्ट। उन्होंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब पता है ना कि आपको किस मैनर में बिहेव करना है, दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, लाइक यू डोंट हैव टू चीट इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू वेयर योर यूनिफॉर्म इन द स्कूल एंड यू डोंट हैव टू कैरी योर मोबाइल फोन टू द स्कूल। सो ऑल दीज आर वॉट कोड ऑफ कंडक्ट। यू हैव टू बी वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड इन द स्कूल और इन द सोशल इवेंट्स, दैट इज वॉट कोड ऑफ कंडक्ट। सो दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू योर बिहेवियर। ओके, बट हियर वी आर टॉकिंग द कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू द अकाउंट्स। ठीक है, तो अ कोड ऑफ कंडक्ट यहां पे किस पे इम्पोज होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स पर इम्पोज किया गया या रूल एंड रेगुलेशंस, और ये डिफाइन कहां से किए गए? ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। ये डेफिनेशन किसने दी हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? कोहलर ने। ठीक है, तो कोहलर के अनुसार जो आप डेफिनेशन देखेंगे उसमें आप क्या देखेंगे कि दे आर अ कोड ऑफ कंडक्ट विच आर इम्पोज ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम्स लॉ और प्रोफेशनल बॉडी, बिजनेस या इंडस्ट्री के कस्टम्स द्वारा जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो भी आप चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, से कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो उस बिजनेस के जो कस्टम्स रहे हैं या उस बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ है, या अगर कोई उस बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशनल बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का अगर हम प्रोफेशन लें तो उनकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, दैट इज देयर प्रोफेशनल बॉडी। टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंट्स, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटेंट्स की? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कौन सी है? अमेरिका की अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये सब क्या है? प्रोफेशनल बॉडीज हैं। तो इन प्रोफेशनल बॉडीज द्वारा, बिजनेस के कस्टम्स द्वारा या फिर लॉ द्वारा अगर कोई नियम इम्पोज किया गया है, ठीक है, अगर कोई बिहेवियर या सॉरी बिहेवियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किया गया है कि आपको इस तरह से काम करना है इन लिमिटेशंस के अंदर रह करके, तो दैट इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, इन फर्दर लैंग्वेज आई कैन एक्सप्लेन इट एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज
रिटन स्टेटमेंट्स। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कहीं भी वर्बल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बकायदा रिटन फॉर्म में है, ठीक है। दे आर द रिटन स्टेटमेंट्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम और ये समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके स्कूल्स में बात करूं मिनिमम स्कोर की, ठीक है, तो कुछ स्कूल्स में 40 पासिंग होता है, कुछ स्कूल्स में 60 पासिंग मार्क्स होते हैं। तो एवरी स्कूल हैज डिफरेंट क्या कहते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, राइट। सो विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो वॉट हैपन्स विद टाइम टू टाइम द स्टैंडर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, जैसा समय की मांग है उसके हिसाब से क्या अकाउंटिंग करनी है, कैसे करनी है, कौन सा रूल फॉलो करना है, ठीक है, तो उस बेसिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं, इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। और कौन इशू करता है, इट इज इशूड बाय institutions of accounting professionals, accounting professionals के जो भी institute हैं, ठीक है, और ये क्या specify करता है, it specifies specifying uniform rules, एक समान रूल, यूनिफॉर्म रूल्स मतलब एक जैसे रूल्स जो कि सब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिसेस फॉर ड्रॉइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो अकाउंटिंग दिस इज नॉट विद इन कोट्स, ये जो डेफिनेशन है दिस इज द डेफिनेशन विच यू कैन एग्जैक्टली राइट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। मीनिंग अगर पूछा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग में आप ये चीज स्पेसिफाई करते हैं, डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, दे आर रिटन स्टेटमेंट्स, रिटन फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि समय के साथ साथ समय समय पर नॉट समय के साथ साथ या समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर गिवन बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो भी आपका अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि डिसाइडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके द्वारा इशू किए जाते हैं ये। और इसमें क्या होता है, स्पेसिफाई किया जाता है यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर ड्रॉइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब एक समान रूल्स, ऐसे रूल्स स्पेसिफाई किए जाते हैं जो कि सबके लिए यूनिफॉर्म होंगे, इक्वली एप्लीकेबल होंगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है। गो थ्रू दिस डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन गिवन बाय कोहलर एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीवेयर। Sweksha, do we have you here? Disha, Sweksha and Diya? Is this thing clear? You don't have any doubts? Good. Okay. So, हम हमेशा जब भी कोई टॉपिक इस तरह का पढ़ते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, मीनिंग हो ऑफ अकाउंटिंग या कुछ भी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, ठीक है, वो किस लिए बने वो हम समझ गए, क्या बताते हैं ये भी हम समझ गए, तो उनका नेचर क्या हुआ, नेचर क्या हुआ, और हम कह सकते हैं कि उनके फीचर्स क्या हो गए एक तरह से, नहीं। तो इफ वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो नेचर होता है वो होता है कि दे आर नॉर्म्स,
नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. नॉर्म्स मतलब, हाय महिमा वेलकम टू द क्लास. नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? द सेट पैरामीटर जिसके बेसिस पे आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी है और प्रैक्टिस में लाना है उन्हें, ठीक है. तो क्या हो गया, ये नॉर्म्स होते हैं, ठीक है. एंड सेकेंडली दे आर यूनिफॉर्म, यानी ये सब पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, हर अकाउंटिंग बिजनेस पर, या सॉरी हर उस बिजनेस पे जो कि अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है. तो जब ये यूनिफॉर्म है तो क्या करते हैं ये, दे हेल्प इन मेकिंग द अकाउंट्स कंपेरेबल, या अकाउंट्स को कंपेरेबल बनाते हैं. ओके, आप एक, जब क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से फॉलो कर रहे हैं इन्हें, तो क्या होगा, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल बिकम कंपेरेबल. ओके, फिर what also they help in, they do the prescribing service, they prescribe the preferable accounting treatment prescribe प्रेफरेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसी चीज को रिकॉर्ड करने के, ठीक है. यू कैन गो, यू कैन इधर हैव अ मेथड ए, अ मेथड बी, अ मेथड सी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा दैट यू शुड अडॉप्ट मेथड बी बिकॉज इट इज बेटर देन मेथड ए एंड मेथड सी. ओके, सो व्हाट इज इट डूइंग, इट इज एक्टिंग लाइक अ डॉक्टर एंड टेलिंग यू कि ठीक है काम तुम ये भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ज्यादा सो सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, और तुम चाहो तो बिल्कुल ही ऐसे रह सकते हो कि सो भी प्रॉपर नहीं, एक्सरसाइज भी मत करो, तो बताओ तुम्हें कौन सा लाइफ स्टाइल चाहिए. सो यू विल, दैट डॉक्टर विल टेल यू डेफिनेटली कि भाई जहां पे एक्सरसाइज भी करोगे, नींद भी अच्छी लोगे, वही ऑप्शन सबसे बेहतर है, ठीक है. तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी, मान लीजिए डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है, आपके पास तीन अवेलेबल मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और भी फलाने मेथड जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो उन तीन में से सबसे बेस्ट कौन सा है, बिजनेस को कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, ये कौन डिफाइन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो दे डू द प्रिस्क्राइबिंग हेल्प, ठीक है. Then the fifth point is they limit the area, ठीक है, area within which accountant has to function. ये क्या करते हैं, एरिया को लिमिट कर दे रहे हैं, मतलब अकाउंटेंट को बता दे रहे हैं कि तुम्हें इसी सीमित बाउंड्री के अंदर रह करके काम करना है. तो अकाउंटेंट के लिए क्या हो जाता है, दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दस दे बिकम लाइक लॉ, यानी अकाउंटेंट के लिए एक तरह का लॉ हो जाता है ना, कि भाई द
दिस इज माई थिंग, दिस इज माई वर्क, आई हैव टू डू विद इन दिस टाइम लिमिट और विद इन द स्कोप ऑफ विद इन दिस सर्टेन स्कोप, इसी सीमा के अंदर रह करके मुझे काम करना है, ठीक है। अकाउंटेंट को ही पता है मुझे इस सर्कल से बाहर नहीं जाना है काम करते हुए, तो क्या हो गया, इफ दिस सर्कल इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इस सर्कल से बाहर नहीं जाना है और कोई भी चीज जब हमें बांध रही है तो वो क्या हो जा रही है, अ काइंड ऑफ लॉ, है ना। जैसे अगर घर पे हम बात करें अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने की, तो अगर हमारे पेरेंट्स हम लोग के लिए कोई रूल्स बनाते हैं घर के लिए, बना देते हैं ना कि 8 बजे के बाद रात में बाहर नहीं घूमना है अकेले, तो हमें पता है कि हाँ हमें जो भी घूमना है वो हम दिन से लेकर के रात के 8 बजे तक घूम सकते हैं, उसके बाद नहीं घूम सकते। तो क्या हो जाता है, अकाउंटेंट निश्चिंत हो जाता है कि भाई 8 बजे तक ही घूमना है, उसके बाद से नहीं घूमना है। मतलब अकाउंटेंट तो घूमने वाली चीज नहीं होगा, लेकिन अकाउंटेंट के लिए काम होगा। आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं 8 बजे से ज्यादा देर नहीं घूम सकती हूँ, है ना। तो आप 8 बजे तक ही पूरा जो भी घूमना है या बाहर का जो भी काम है आपका, वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 8 बजे घर के बाद घर से बाहर नहीं रहना है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लॉ फॉर यू, है ना, एक तरह का लॉ ही तो बन जाता है। और ये आप बोल सकते हैं कि फैमिली का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, कि अगर हमें घर में रहना है तो हमें ये जो मम्मी ने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं हमारे लिए, ये फॉलो करने हैं। यस, मम्मी की लॉ होती है कि नहीं, ठीक। तो ऐसे ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी अकाउंटेंट का एरिया ऑफ वर्क जो है लिमिट कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, जिसके अंदर रहकर ही अकाउंटेंट अपना काम करता है। तो क्या होता है, दीज स्टैंडर्ड्स काइंड ऑफ एक्ट लाइक लॉ। गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। Sweksha, you got this. Good. What about Mahima, Diya, Disha? Okay. So let's move on to the next topic. कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो बना दिए, लेकिन पर्पस क्या है, या व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इन प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। आपको अपने अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से उनको प्रेजेंट करना है, उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि हर बिजनेसमैन को बता रहा है कि ये फॉर्मेट फॉलो करना है, तो हर बिजनेसमैन उसी फॉर्मेट को फॉलो करके बनाएगा, प्रेजेंट करेगा, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी। देन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज adopted in preparation of financial statements। मतलब आपको ये बताता है, आपको information provide करेगा कि जब आप अपने financial positions बनाए, sorry financial statements बनाए, तो उसमें आपको क्या क्या policies को follow करना है, वो उस practices, यानि जो बिजनेसमैन पहले अलग ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी,
किस चीज की कंपेरेबिलिटी को दिखाता है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, प्लीज डिक्टेट द थर्ड पॉइंट, रिमूव इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। स्वेच्छा, इट इज क्लियर? आई विल सेंड यू द नोट्स आफ्टर द क्लास। ओके स्वेच्छा, ये सारे नोट्स मैं भेज दूंगी क्लास के बाद, सो यू डोंट नीड टू वरी। इट इज रिमूव इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। And the fourth point is ensures consistency, transparency and comparability of financial statements। मतलब जो financial statements हैं उसकी consistency की वो साल बर साल एक सी बनेंगी, transparency की जो उनमें information है that is easy to understand and comparability की वो एक साल से दूसरे साल comparable हो। ये तीनों qualities ensure करता है आपके financial statements की कौन, accounting standards। ठीक है, एंड बिकॉज व्हेन योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड एज पर सेट स्टैंडर्ड्स, तो क्या हो जाता है, इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता को और पक्का कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अंडरस्टूड बेटा स्वेच्छा? गुड, तो अब यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक कितने पॉइंट्स हमने पढ़े, अब इन्हीं पॉइंट्स में से अगर हम निकालें कुछ यूटिलिटी और बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या क्या फायदे होते हैं? अभी तो एक पढ़ा हमने, अगर हम बात करें यूटिलिटी या फिर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो क्या कोई पॉइंट आपके मन में आ रहा है? वेरी गुड, कंपेरेबिलिटी को बना देता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करता है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, है ना। फिर इसके बाद हमने, इसी के बाद जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? वेरी गुड, रिलेबिलिटी, रिलायबिलिटी यू मीन टू से ना, यू हैव रिटन रिलायबिलिटी। ओके, एंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और क्योंकि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इट विल रिड्यूस चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस। फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दे आर रिटन स्टेटमेंट्स, रिटन रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके अकाउंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा फ्रॉड्स वाले नहीं होंगे या मैनिपुलेटेड नहीं होंगे। अंडरस्टैंडेबल, यस वी कैन से, बट दिस अंडरस्टैंडेबिलिटी विल कम इनटू द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉट इट्स फंक्शन, सॉरी बेनिफिट। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल जो पॉइंट है स्वेच्छा, हम इसको रिलेट कर सकते हैं दैट दे मेक the rules understandable to the auditors or accountants, so we can say helpful to
ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स आप जानते हैं जो कि आपके अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऑडिटर कौन हो गया, ऑडिटर वो हो गया जो कि अकाउंट्स को चेक करता है आपके कि वो सही बने हैं या नहीं, जैसे योर चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट ही इज अ और शी इज अ ऑडिटर। ओके, तो ऑडिटर और अकाउंटेंट्स को ये देखने में कि सॉरी ऑडिटर जो है उसको ये मदद करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू चेक द वेदर द अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेड और नॉट, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं, ये कौन मदद करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आर दीज फोर पॉइंट्स क्लियर? एक इसमें फिफ्थ पॉइंट भी ऐड कर देते हैं, हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ वेरियस यूजर्स, यानी जो भी आपके अकाउंटिंग यूजर्स हैं, आप पढ़ चुके हैं ना कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, तो उन सारे यूजर्स की ये मदद करते हैं कि अगर उनके दिमाग में या उनके कोई भी उनको अगर डाउट है या कॉन्फ्लिक्ट है रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ दे हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में कि उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, उसको भी सॉर्ट आउट करने में, रिजॉल्व करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मदद करते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल द फाइव पॉइंट्स? यस स्वेक्षा, अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो हो गए यूटिलिटी बेनिफिट्स या एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, जब हर चीज आपके सामने इन्होंने ऑलरेडी बता दी है कि ऐसे ही करनी है, तो क्या अकाउंटेंट खुद कुछ सोच पाएगा, खुद को सोचने की ऑटोनॉमी यहाँ पे नहीं दी है। तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग इनिशिएटिव। तो पहली लिमिटेशन यही हो जाती है कि रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, लाइक कि हो सकता है कोई बेहतर तरीका हो किसी चीज को रिकॉर्ड करने का। यस, नो स्कोप ऑफ इनोवेशन, वही, क्योंकि इनिशिएटिव रिस्ट्रिक्ट हो गया तो कोई इनोवेशन आएगा ही नहीं, और क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं इनिशिएटिव को और ये बता दे रहे हैं कि भाई ऐसे है तो ऐसे ही करना है, तो व्हाट वी कैन से, दे आर रिजिड इन नेचर, स्ट्रिक्ट है बहुत, ऐसा है तो ऐसा ही करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकते, तो दे आर रिजिड इन नेचर विच इज देयर लिमिटेशन। एंड देन थर्ड लिमिटेशन इज दैट दीज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि जो असेट्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यूएशन हम ऑन किस बेसिस पे करते हैं, उनकी जिस प्राइस पे हमने परचेज किया है उस पर करते हैं, ठीक है, बट ऑल टाइम हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट रेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज कि दे ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स का मतलब है कि क्योंकि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है, तो हो सकता है एक ऑडिटर जो कि एक एक्सपर्ट माना जाता है अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ और तरीका होना चाहिए, बट क्योंकि ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही करना है, तो उससे क्या हो जाएगा,
कि ऑडिटर अपना जजमेंट नहीं दे पाएगा और उसके जजमेंट में रुकावट बन जाएगा, कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, नो स्कोप ऑफ इनोवेशन, स्वेच्छा विल कम इन दिस ओनली, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव. गो थ्रू दीज पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशन एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. Is the board visible? Sweksha, is the board visible? Just a moment. The board was earlier better visible, matlab abhi. लेट मी नो. ओके स्वेक्षा, अभी दिख रहा है बोर्ड? ओके ओके, थैंक यू सो मच. सो अकाउंटिंग लिमिटेशंस आर क्लियर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ओके, सो लेट्स बिगिन विद IFRS नाउ. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इतना ही है और इस चैप्टर से ओनली थ्योरी विल बी आस्क्ड, लाइक व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज देयर नेचर, इसी तरह का सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. ओके, कि हाउ आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूजफुल, हाउ आर दे, मतलब क्या उनके कोई लिमिटेशंस है. ठीक है, लेट मी सी इफ दिस वर्क्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज IFRS. ओके, IFRS जो होता है, IFRS जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. और ये IFRS जो थे, दीज वर गिवन बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये आपके कुछ नहीं होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट दे आर बेस्ड या दे आर अडेप्टेड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जो क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं उसको हम बोलते हैं IFRS. ठीक है, तो IFRS कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे हम कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, विच इज इश्यूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है, ओके, एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद IFRS. ओके, अब IFRS जो है इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं. ठीक है, कुछ अजम्पशंस को लेकर के चलता है. कौन कौन से अजम्पशन, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि पहला ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेकर के चलता है. पहले मैं लिख देती हूं फिर एक्सप्लेन करती हूं. गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फॉलो करता है
अक्रूअल का असम्पशन फॉलो करता है। फिर ये फॉलो करता है द अजम्पशन ऑफ मेजरिंग यूनिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन। ठीक है, तो ये चार अजम्पशंस को फॉलो करता है, जिसमें कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन में वही जो आपका नॉर्मल गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल होता था कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड, वही अजम्पशन होता है। अक्रूवल का अजम्पशन में यही माना जाता है कि जो भी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस। स्वेक्षा हैज सेड सॉरी मैम बट आई फॉरगॉट द थर्ड वन, व्हाट मेजरिंग यूनिट, आई एम कमिंग टू दिस, यू आर टॉकिंग अबाउट अजम्पशंस बेटा। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन आपने एक्चुअली में पढ़ा ही नहीं है, आपने मनी मेजरमेंट का पढ़ा है बट मेजरिंग यूनिट नहीं है। ओके, तो मेजरिंग यूनिट का जो अजम्पशन है, ठीक है, उसपे उसका मतलब होता है, मेजरिंग यूनिट का मतलब होता है करंट परचेजिंग पावर। ठीक है, और इस अजम्पशन के तहत जो असेट्स होते हैं आपकी बैलेंस शीट में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ना शो करके करंट और फेयर वैल्यू पर शो किए जाते हैं। ठीक है, मेजरिंग यूनिट की अजम्पशन में कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो भी आप बैलेंस शीट में आप अपने असेट्स दिखाएंगे जब भी, तो वो असेट्स आप अपने करंट या जो भी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर दिखाएंगे। ओके, ना कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। और कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर का अजम्पशन होता है कि कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर का अजम्पशन ये कहता है कि जो आपका कैपिटल है उसको भी आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से या इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए उस इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके शो करना होगा अपने बैलेंस शीट में। भले ही क्या कहते हैं, जो प्रोप्राइटर है उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हों, लेकिन उन 10,000 रुपए का आज के इन्फ्लेशन को अगर टाइम ख्याल रखते हुए, इन्फ्लेशन से मतलब आप समझते हैं, इन्फ्लेशन मतलब कि इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ थिंग्स। ठीक है, अ सिचुएशन मार्केट में जब सब चीजों के प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं, तो सिचुएशन को ध्यान में रख के कि हर चीज के प्राइसेस अब बढ़ गए हैं, वो चीज का इफेक्ट आपको अपने कैपिटल पे शो करना है और कैपिटल को उस बढ़े हुए प्राइसेस पर अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है, ओनली दिस थिंग। ठीक है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ IFRS। ठीक है, अब इसके भी नीड बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, दैट इज वेरी मच सेम एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई विल सेंड द नोट्स टू यू, ठीक है, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन लेट मी, क्योंकि इसमें हम बहुत चीजें कवर करने वाला है नहीं, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, तो आपको इसके मैं IF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ लिया, उसके मीनिंग ऑब्जेक्टिव सब कुछ समझ लिए हैं, IFRS का भी आपने मीनिंग समझ लिया है, अजम्पशन समझ लिए हैं। ठीक है, अब इसकी नीड बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, यानी नीड एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, दे आर मोर और लेस सेम लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बस ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके कह सकते हैं नेशनल लेवल पे होते हैं और IFRS इज ऑन ग्लोबल लेवल, ठीक है, या कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी, आप उससे इसको पढ़ लीजिएगा IFRS को। ओके, एनी डाउट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, कुछ भी डाउट या IFRS में अभी तक जितना पढ़ा, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स विक्षा? नो डाउट्स। ओके, सो आई विल वाइंड अप टूडेज क्लास हेयर इटसेल्फ। ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।